गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, स्थानीय सांसद सी आर पाटिल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, देश की डायमंड इंडस्ट्री के जाने माने सभी चेहरे, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, नमस्कार। हुरट एटले हुरट। सूरत पासे इतिहास नो अनुभव, वर्तमान मा रफ्तार अने भविष्यनी दुरंदेशी, एनू नाम सूरत। अने अमारू हुरत एवू के काम मा लोचो मारे नहीं अने खामा मा लोचो छोड़े नहीं। આમ બધી વાતે સુરતીને ગમે તેટલી ઉતાવળ હોય પણ ખાણીપીણીની દુકાને અડધો કલાક લાઈટમાં ઉભા રહેવાની ધીરજ એના બા હોય। વરસાદ જોધમાર પડ્યો હોય ને ઢીચણ સુધી પાણી હોય પણ ભજિયાની રારીએ જવાડું એટલે જવાડું। શરદ પૂનમે ચંડી પડવો, દુનિયા આખી ધામા પર જાય, અમારો હુરતી ફૂટપાથ પર પરિવાર સાથે ઘારી ખાતો હોય। અને મોજી એવો સાહેબ કે નાકા પરનું સર્કલમાં અહીંયા આટો મારવા ના જાય પણ વિશ્વ આખું ફરે। મને યાદ છે 40-45 વર્ષ પહેલા સૌરાષ્ટ્રના ભાઈઓ સુરત તરફ વળ્યા તો મારા સૌરાષ્ટ્રના જૂના મિત્રોને હું પૂછું કે હવે તમે સૌરાષ્ટ્ર છોડીને સુરત આવ્યા છો તો કેવું લાગે? એ કે અમારા હુરતમાં અને અમારા કાઠિયાવાડમાં ભારે અંતર। આ 40-45 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું તો હું કહું શું તો કે અમારે ત્યાં કાઠિયાવાડમાં જો હામે હામે મોટરસાયકલ ટકરાઈ ગઈ તો કે તલવાર ઉકાળવાની વાત થાય પણ કે જો સુરતમાં મોટરસાયકલ ટકરાણી હોય એટલે તરત બોલો કે જોની ભાઈ તારી બી ભૂલ છે ને મારી બી ભૂલ છે, હાલ ને હવે કે આટલો ફરક છે। સાથીઓ, આજ સુરત શહેર કી ભવ્યતા મેં એક ઓર ડાયમંડ જુડ ગયા હૈ। और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है। રવિ વલ્લભભાઈ, લાલજીભાઈ પૂરી નમ્રતા કે સાથ અપની વાત બતા રહે થે ઓર શાયદ ઇતને બડે મિશન કી સફળતા કે પીછે ઉનકી યે નમ્રતા, સબકો સાથ લેને કા સ્વભાવ, इसके लिए जितनी बधाई मैं इस टीम को दूं उतनी कम है। वल्लभ भाई ने कहा कि मुझे 5 ही मिनट मिला है लेकिन वल्लभ भाई आपके साथ तो किरण जुड़ा हुआ है और किरण में
पूरे सूर्य को समझने का सामर्थ्य होता है और इसलिए आपके लिए 5 मिनट एक बहुत बड़ी शक्ति का परिचय बन जाती है। अब दुनिया में कोई भी कहेगा डायमंड बोर्स तो सूरत का नाम साथ आएगा, भारत का नाम भी आएगा। सूरत डायमंड बोर्स भारतीय डिजाइन, भारतीय डिजाइनर्स, भारतीय मटेरियल और भारतीय कंसेप्ट के सामर्थ्य को दिखाता है। ये बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ्य और नए संकल्प का प्रतीक है। मैं सूरत डायमंड बोर्ड के लिए डायमंड इंडस्ट्री को, सूरत को, गुजरात को, पूरे देश को बधाई देता हूं। मुझे कुछ हिस्सा देखने का अवसर मिला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को ज्यादा इंतजार करना पड़े, लेकिन मैंने कहा इनको, पुराने दोस्त हैं तो कुछ ना कुछ बताता रहता हूं। मैंने कहा कि आप जो एनवायरनमेंट की दुनिया के वकील है, ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है जरा बुला करके दिखाइए। दूसरा मैंने कहा पूरे देश से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहिए कि आप आइए और स्टडी कीजिए कि बिल्डिंग की रचना आधुनिक रूप में कैसे होती है। और मैंने ये भी कहा कि लैंडस्केपिंग कैसे हो, पंच तत्व की कल्पना क्या होती है उसको देखने के लिए भी लैंडस्केप की दुनिया में जो काम करते हैं उनको भी बुलाइए। साथियों, आज सूरत के लोगों को, यहाँ के व्यापारियों कारोबारियों को 2 और उपहार मिल रहे हैं। आज ही सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि अब सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। सूरतियों की बरसों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। और मुझे याद है जब मैं पहले आता था यहां तो सूरत का एयरपोर्ट कभी कभी लगता है बस स्टेशन ज्यादा अच्छा कि एयरपोर्ट अच्छा। बस स्टेशन अच्छा लगता नहीं था, एक झोपड़ी जैसा था। आज कहां से कहां पहुंच गए ये सूरत का सामर्थ्य दिखाता है। सूरत से दुबई की फ्लाइट आज से शुरू हो रही है, बहुत जल्द हांगकांग के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। गुजरात के साथ ही, और आज जब ये सूरत का एयरपोर्ट बना है तब गुजरात में अब 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। इससे डायमंड के अलावा यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एजुकेशन और स्किल सहित हर सेक्टर को लाभ होगा। मैं शानदार टर्मिनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सूरत वासियों को, गुजरात वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, सूरत शहर के साथ मेरा जो आत्मीय लगाव है उसको शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भलीभांति जानते हैं।
सूरत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और सूरत ने सिखाया है कि जब सबका प्रयास होता है तो हम कैसे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सूरत की मिट्टी में ही कुछ बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है और सूरतियों का सामर्थ्य उसका मुकाबला मिलना मुश्किल होता है। हम सब जानते हैं कि सूरत शहर की यात्रा कितने उतार चढ़ावों से भरी रही है। अंग्रेज भी यहां का वैभव देखकर सबसे पहले सूरत आए आए थे। एक जमाने में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जहाज सूरत में ही बना करते थे। सूरत के इतिहास में अनेक बार बड़े बड़े संकट आए लेकिन सूरतियों ने मिलकर हर एक से मुकाबला किया। वो भी एक वक्त था, कहते थे कि 84 देशों के शिप के झंडे यहां फहरते थे और आज जो मथुर भाई बता रहे थे कि अब 125 देशों के झंडे यहां फहरने वाले हैं। कभी गंभीर बीमारियों में सूरत फंस गया, कभी तापी में बाढ़ आई। मैंने तो वो दौर निकट से देखा है जब भांति भांति की निराशा फैलाई गई, सूरत की स्पिरिट को चुनौती दी गई, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि सूरत संकट से तो उभरेगा ही, नए सामर्थ्य के साथ दुनिया में अपना स्थान भी बनाएगा। और आज देखिए, आज ये शहर दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ते टॉप 10 शहरों में है। सूरत का स्ट्रीट फूड, सूरत में स्वच्छता, सूरत में स्किल डेवलपमेंट का काम, सब कुछ शानदार होता रहा है। कभी सूरत की पहचान सन सिटी की थी। यहां के लोगों ने अपने परिश्रम में पूरी ताकत से मेहनत की पराकाष्ठा करके इसको डायमंड सिटी बनाया, सिल्क सिटी बनाया। आप सभी ने और मेहनत की और सूरत ब्रिज सिटी बना। आज लाखों लाख युवाओं के लिए सूरत ड्रीम सिटी है और अब सूरत आईटी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। ऐसे आधुनिक होते सूरत को डायमंड बूट्स के तौर पर इतनी बड़ी बिल्डिंग मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है। साथियों, आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है, लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है और इसी गारंटी का उदाहरण ये सूरत डायमंड बूट्स भी है। मुझे याद है बरसों पहले आप सभी साथी किस तरह मुझे अपनी समस्याएं बताते थे।
यहां तो डायमंड के कारोबार से जुड़े कारीगरों, छोटे बड़े व्यापारियों से जुड़ी लाखों लोगों की पूरी कम्युनिटी है। लेकिन उनकी बड़ी परेशानी ये थी कि छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था। रॉ डायमंड को देखने और खरीदने के लिए अगर विदेश जाना है तो उसमें भी अड़चनें आती थी। सप्लाई और वैल्यू चेन से जुड़ी समस्याएं पूरे कारोबार को प्रभावित करती थी। डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े साथी बार बार मुझसे इन समस्याओं के समाधान की मांग करते थे। इसी माहौल में 2014 में दिल्ली में वर्ल्ड डायमंड कॉन्फ्रेंस हुई थी और तभी मैंने डायमंड सेक्टर के लिए स्पेशल नोटिफाइड जोन स्थापित करने की घोषणा की थी। इसी ने सूरत डायमंड बूट्स के सपने को साकार करने का रास्ता बनाया। हमने कानून में संशोधन भी किए। अब आज सूरत डायमंड बूट्स के रूप में इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर यहां बनकर तैयार है। रॉ डायमंड हो, पॉलिश डायमंड हो, लैब ग्रोन डायमंड हो या फिर बनी बनाई ज्वेलरी, आज हर प्रकार का व्यापार एक ही छत के नीचे संभव हो गया है। कामगार हो, कारीगर हो, व्यापारी हो, सबके लिए सूरत डायमंड बूट्स वन स्टॉप सेंटर है। यहां इंटरनेशनल बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट्स की सुविधा है। यहां रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल है। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पहले से ही 8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। अब सूरत डायमंड बोर्ड से भी 1.5 लाख साथियों को रोजगार मिलने वाला है नए। मैं डायमंड के व्यापार कारोबार से जुड़े आप सभी साथियों की प्रशंसा करूंगा जिन्होंने इस इंडस्ट्री को नई ऊंचाई देने के लिए दिन रात एक किया है। साथियों, सूरत ने गुजरात को, देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सूरत में इससे भी कहीं अधिक सामर्थ्य है। मेरे हिसाब से तो शुरुआत है, हमें और आगे बढ़ना है। आप सभी जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। सरकार ने आने वाले 25 साल का भी टारगेट तय किया है। $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हो, $10 ट्रिलियन का लक्ष्य हो, हम इन सभी पर काम कर रहे हैं। हम देश के एक्सपोर्ट को भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में सूरत की और विशेषकर सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की जिम्मेदारी भी अनेक गुना बढ़ गई है। यहां सूरत के सभी दिग्गज मौजूद हैं। सूरत शहर को भी ये टारगेट तय करना चाहिए कि देश के बढ़ते हुए एक्सपोर्ट में सूरत शहर की भागीदारी और कैसे बढ़े। ये डायमंड सेक्टर के लिए, जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए चुनौती भी है, अवसर भी है। अभी डायमंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में भारत बहुत आगे है। सिल्वर कट डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में भी हम अग्रणी हैं।
लेकिन अगर पूरे जेम ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट में भारत का शेयर सिर्फ 3.5% है। सूरत अगर ठान ले तो बहुत ही जल्द जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट में डबल डिजिट में आ सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। हमने तो पहले से ही इस सेक्टर को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फोकस एरिया के रूप में चुना है। पेटेंटेड डिजाइन को प्रोत्साहन देना हो, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना हो, दूसरे देशों के साथ मिलकर बेहतर तकनीक की खोज करना हो, लैब ग्रोन या ग्रीन डायमंड को बढ़ावा देना हो, ऐसे अनेक प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। ग्रीन डायमंड को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने बजट में भी विशेष प्रावधान किए हैं। आपको इन सारे प्रयासों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल आप भी अनुभव करते होंगे, आप दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया के अनेक देश के लोग यहां बैठे हैं, आज विश्व का माहौल भारत के पक्ष में है। आज पूरी दुनिया में भारत की साख बुलंदी पर है, दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है। मेड इन इंडिया अब एक सशक्त ब्रांड बन चुका है। इसका बहुत बड़ा लाभ आपके बिजनेस को मिलना तय है, आभूषण उद्योग को मिलना तय है। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, संकल्प लीजिए और इसे सिद्ध कीजिए। साथियों, आप सभी का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सरकार सूरत शहर का भी सामर्थ्य और बढ़ा रही है। हमारी सरकार सूरत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष बल दे रही है। आज सूरत के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आज सूरत के पास अपनी मेट्रो रेल सर्विस है, आज सूरत पोर्ट पर कितने ही अहम प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग होती है, आज सूरत के पास हजीरा पोर्ट है, गहरे पानी का एलएनजी टर्मिनल और मल्टी कार्गो पोर्ट है, सूरत लगातार अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्रों से जुड़ रहा है और ऐसी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दुनिया के बहुत कम शहरों में ही है। सूरत को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से भी जोड़ा गया है, यहां वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी तेजी से काम चल रहा है। इससे उत्तर और पूर्वी भारत तक सूरत की रेल कनेक्टिविटी सशक्त होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी सूरत के व्यापार कारोबार को नए अवसर देने वाला है। ऐसी आधुनिक कनेक्टिविटी पाने वाला सूरत एक तरह से देश का इकलौता शहर है। आप सभी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। सूरत आगे बढ़ेगा तो गुजरात आगे बढ़ेगा, और गुजरात आगे बढ़ेगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। इसके साथ और अनेक संभावनाएं जुड़ी हुई है। इतने देशों का लोगों का यहां आना जाना है ना, एक प्रकार से एक ग्लोबल सिटी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। लघु भारत तो बन चुका है। अभी जब G20 समिट हुई तो हमने कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ड्राइवर
हिंदी जानता है, उसके साथ बैठे हुए मेहमान फ्रेंच जानते हैं, तो बात कैसे करेंगे? तो हमने मोबाइल ऐप के द्वारा व्यवस्था की, वो फ्रेंच बोलते थे और ड्राइवर को हिंदी में सुनाई देता था, ड्राइवर हिंदी बोलता था उसको फ्रेंच में सुनाई देता था। मैं चाहूँगा कि हमारे इस डायमंड बूथ में विश्व भर के लोग आने वाले हैं, लैंग्वेज की दृष्टि से कम्युनिकेशन के लिए आपको जो मदद चाहिए भारत सरकार जरूर आपको मदद करेगी। और एक मोबाइल फोन, मोबाइल ऐप के द्वारा, भाषिणी ऐप के द्वारा इस काम से हम सरल करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से भी सुझाव दूंगा कि यहां जो नर्मद यूनिवर्सिटी है, वे भिन्न भिन्न भाषाओं में इंटरप्रेटर तैयार करने के लिए कोर्सेज शुरू करें और यहां के बच्चों को ही दुनिया के अनेक भाषाओं में इंटरप्रिटेशन आए, ताकि जो व्यापारी आएंगे तो इंटरप्रेटर का बहुत बड़ा काम हमारी युवा पीढ़ी को मिल सकता है। और ग्लोबल हब बनाने की जो जरूरतें होती है उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आज टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर रही है, लेकिन साथ साथ ये भी आवश्यक है। मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत ही जल्द सूरत में नर्मद यूनिवर्सिटी के द्वारा या और कोई और यूनिवर्सिटी के द्वारा लैंग्वेज इंटरप्रेटर के रूप में भी हम कोर्सेज आरंभ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सबको सूरत डायमंड बूट्स की और सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगले महीने वाइब्रेंट गुजरात समिट भी होने जा रहा है, मैं इसके लिए भी गुजरात को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और गुजरात का ये प्रयास देश को भी काम आ रहा है, और इसलिए मैं गुजरात को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आप सब इतनी बड़ी तादाद में विकास के उत्सव को आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। देश का हर व्यक्ति विकास के प्रति प्रतिबद्ध होता जा रहा है, ये भारत के लिए आगे बढ़ने के सबसे बड़े शुभ संकेत है। मैं फिर एक बार वल्लभ भाई और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे पता है अगर बीच में कोविड की समस्या ना आई होती तो शायद ये काम हम और जल्दी पूरा कर देते, लेकिन कोविड के कारण कुछ कामों में रुकावट रही थी। लेकिन आज ये सपना पूरा देख करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।